ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस पेज 86-87 पर अगर ओल्ड बुक देखी जाए एनसीईआरटी की 79 और 80 पेज पर है अकॉर्डिंग टू द रैशनलाइज्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी 2023-24। ये पेजेस जरा ध्यान से नोट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2.1, टू चार्जेस 5×10⁻¹ कॉलम एंड -3×10⁻¹ कॉलम आर लोकेटेड 16 cm अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इनफिनिटी टू बी जीरो। दो चार्जेस है Q1 Q2 जो 16 cm की दूरी पर पड़े हुए हैं। हमने ये ढूंढना है कि कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ये प्लस का चार्ज है तो ये माइनस का, तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, तो पहले उसे ढूंढ लेते हैं। हम पी पॉइंट पर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जीरो है, जो क्यू वन से आर की दूरी पर है और जो क्यू टू से कितनी दूरी पर होगा डी। ये टोटल अगर डी मान ले 16 cm तो 16 - r cm की दूरी पर होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेते हैं Q1 = 5×10⁻¹ कॉलम, Q2 - 3×10⁻¹ कॉलम, डी है 16 cm, इसके मीटर बना लो 0.16 m आ गया 100 से डिवाइड करके। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्जेस Q1 और Q2, तो टोटल पोटेंशियल हम अलजेब्रिक सम कर लेते हैं पोटेंशियल का Q1/4πε0 आर, ये तो इसका हो गया पोटेंशियल इस चार्ज का। अब इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, दूरी कितनी होगी डी माइनस आर, टोटल डी से आर सब्ट्रैक्ट कर दो, Q2/4πε0 × d - r। तो नाउ वी जीरो है, हमने पी पर क्या माना है जीरो है, तो 0 = Q1/4πε0 r + Q/4πε0 × d - r। इसको इधर ले जाओ लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस बन जाएगा, ये 4πε0 से 4πε0 काट दो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस Q1 = 5×10⁻¹ है, Q2 - है -3×10⁻¹, r की वैल्यू हमने ढूंढनी है, डी की वैल्यू 0.16 यहां लिखी हुई है, 0.16 - r, ये काट दो 10⁻¹, 10⁻¹ से माइनस से माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3×r = 5×0.16 - r, ब्रैकेट खोल दो 3r = 0.8 - 5r, आर को इधर ले जाओ 5 + 3 = 8r = 0.8, तो इसको नीचे ले जाओ 0.8/8, तो इसको काटोगे तो 0.1 m। अगर आप इसके सेंटीमीटर बनाओगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 m में 100 cm होते हैं, तो ये आ गया कट के 10 cm। तो पोटेंशियल विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से 10 cm की दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा। जहां इस क्वेश्चन के दो केस है, एक तो पोटेंशियल अंदर हो गया जीरो, ये हमने बात की थी, अब पोटेंशियल बाहर भी जीरो हो सकता है ना, इधर कहीं भी जीरो हो सकता है पोटेंशियल, वो ढूंढते हैं हम। लो अब जे Q1 और Q2 चार्जेस हैं, हमने आर अब हमने बाहर ले लिया, थोड़ा लिख ले, सपोज पोटेंशियल इज जीरो आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहां बाहर ले लिया, नाउ पी इज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, लो पी बाहर चला गया, पहले अंदर था बाहर है, पोटेंशियल एट पी इथे हमने मान लिया अभी जीरो है, V = Q1/4πε0 r है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, अब आर कितना, अब आर माइनस डी लिखेंगे इसको, Q2/4πε0 r - d, तो V = 0 at P, 0 = Q1/4πε0 r + Q2/4πε0 × r - d। अब Q1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस बन गया, 4πε0 से 4πε0 काट दो,
वैल्यू पुट कर दो, माइनस फाइव इंटू टेन पर माइनस एट बटा आर माइनस इक्वल टू माइनस थ्री इंटू टेन पर माइनस एट बटा आर माइनस 0.16। माइनस से माइनस कट गया, टेन रेज पर माइनस एट से टेन रेज पर माइनस एट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया फाइव इंटू आर माइनस 0.16 इक्वल टू 3R। तो ब्रैकेट खोल दो, 5R माइनस 16.80, ये डेसिमल भी लगना ना, माइनस 0.8 बन जाएगा इक्वल टू 3R। इसको इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गया 2R इज इक्वल टू 0.8। आर आ गया 0.8 बटा 2, इसको काट दो, दो चौके 8, 4 बटा 10 मीटर, इसके सेंटीमीटर बनाने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया 40 सेंटीमीटर। ऐसा मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाके पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल इज आल्सो 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी पोटेंशियल 0 होगा।